हमने सुना यार आप अनिका जो है वो बेसिकली फीमेल कबीर सिंह है, क्या क्या करवा दिया यार पहले डोम में अनिका के चक्कर में, इतनी भसड़। आई डोंट नो उसको किसने बोला क्या बोला, बट उसने मुझे ये चीज की वार्निंग दी कि श्वेत इज नॉट अ नाइस गाय फॉर यू। नायरा श्वेत का पास्ट और लक्ष्य नायरा क्या हो रहा है। What's up guys, this is your insider Hamid Barakzi, I have with me Anika. Hello. Spits फिलहाल बोलूँ कि अनिका का शो बोलूँ, फिलहाल अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि अनिका क्या क्या करवा दिया यार पहले डोम में अनिका के चक्कर में, इतनी भसड़। पहले तो हमारा सरप्राइज कैसा लगा आपको? Don't ask me this question. बताओ ना please. मतलब मेरे को ऐसा लगा, मतलब कहीं ना कहीं ये था कि हाँ एक्स आने वाले हैं, बट मेरा एक्स आ जाएगा मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्यों? मेरे को ऐसा लगा था ये अमाउंट कम यार, मतलब कि ठीक है वो इस फील्ड का है नहीं। जब मैंने सामने देखा ना, आई वाज लाइक फक व्हाट द हेल ही इज डूइंग हियर। और एक तो मुझे समझ नहीं आया सबका मुंह ऐसे क्यों था, सारे एक्सेस का ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ऐसे कुछ बताने आए हैं बहुत बड़ा कि भाई देख तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुझे बताऊंगा या बताऊंगी, मतलब क्यों? हम लोगों को एक्सेस का सुनना ही नहीं है, मुझे अनिका का सुनना है कि क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे क्योंकि चीजें नहीं थी सही, जो भी हुआ। तुम लोगों ने डेट कितने टाइम किया? It was around 2.5 years. काफी है, 2.5 साल। फिर उसके बाद? But हमारा relationship जो था वो बहुत ज्यादा mature था, और relationship भी नहीं था, it was a situationship. विला में लक्ष्य ने तुमसे बात करने की कोशिश करी? नहीं, उसने नहीं करी मुझसे बात। मैंने भी उससे कोई इनिशिएट नहीं किया, बट नेक्स्ट डे आई हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम कि वो मुझे बोल रहा था ऐसा कि शी इज अ डायमंड और वो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ डायमंड तो है कर रहा था। तो मैंने फिर मेरा ऐसा हुआ कि फिर आप पिघले कि नहीं? नहीं, मैं उस वे में नहीं पिघली, एज अ ह्यूमन बींग मैं उससे बात करने के लिए गई, क्योंकि जो लास्ट नाइट हुआ था वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, काफी कुछ हो गया था। एंड ही वाज लाइक मेरे को भी नहीं पता था, मेरा भी मैं मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका फर्स्ट टाइम है, चीज जो भी चीज़ है मेरा भी है, मुझे नहीं पता। बट ही इज लाइक मुझे क्लियर करना है बहुत सारी चीज़ें। एंड उसने श्वेत के लिए भी बोला ही इज नॉट अ नाइस गाय फॉर यू। आई डोंट नो उसको किसने बोला क्या बोला, बट उसने मुझे ये चीज़ की वार्निंग दी कि श्वेत इज नॉट अ नाइस गाय फॉर यू। फिर आपको क्या लगा? मेरे साथ वो जैसा है दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज तो मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता, लोग नहीं कुछ पड़ता भी बोले वो आपके साथ कैसा है वो मैटर करता है आपके लिए। तो मतलब काफी क्लियर है कि श्वेत ओनली, श्वेत ओनली, कोई चांस नहीं लक्ष्य का। इट्स टोटली क्लियर श्वेत ओनली। मैंने लक्ष्य को बोला, मैंने कहा अगर रहना है तुझे रह, कोई भी अपना जो भी तेरे को जिसके साथ कनेक्शन बनाना है गेम के लिए या फिर रियल लाइफ के लिए जो भी करना है कर, बट मेरे एंड से कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, नो नथिंग, नो चांस। तो चलो कल के चैलेंज पे आते हैं अब। यस, कैसा लगा चैलेंज? बहुत ही ज्यादा ठंडा चैलेंज था। मैं ही पानी में गई ना, पक्का ठंडा था पानी, सिर्फ ठंडा था, चैलेंज तो गरम था। चैलेंज बहुत गरम था बट मेरे को तो बहुत ठंड लगी। पानी में कौन लिया? दोनों। आई डोंट नो व्हाई ही चोज दैट, मैंने मेरा तो पर लोगों ने आपको भेजा, लोगों ने मेरे को बोला गिल्टी, लोगों को गलत लग गया क्योंकि लोगों को ये गलत लग रहा था, मतलब ही इज वेरी एंबिशियस, तो वो अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी काम है, तो लोगों को ये लग रहा था कि मैं उसको काम में रोक रही हूँ। मतलब मैंने भी जितनी लोगों से बात हुई उन लोगों ने ये बोला कि मैं उसको काम के लिए रोक रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, हमने सुना यार आप अनिका जो है वो बेसिकली फीमेल कबीर सिंह है, क्यों ऐसा अग्रेशन? इट्स नॉट लाइक दैट, उसका मतलब यही है तो फिर हाँ अग्रेशन में भी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे को अग्रेशन होता है, इट इज लाइक बंदा फोड़ देती हूँ बस मैं। बंदा फोड़ देती हूँ नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं टॉलरेट करती हूँ, बट मुझे चिढ़ हो जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है इस चीज़ से, और मैं ये अग्री भी करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गिविंग माई 100%, वाई ही और शी इज नॉट गिविंग दैट। नायरा बहुत तेज हो रहे हो। नायरा के बारे में आपका क्या बोलना है? बहुत तेज हो रहे हो, ऐसे ही नहीं इनसाइडर बनाया है। नायरा के बारे में अपनी तारीफ में क्या करूं, ऐसे मैंने दो शो भी नहीं जीते, बट नायरा के बारे में आपका क्या कहना है? नायरा ओके, सो पहली बात और एक और चीज, नायरा श्वेत का पास्ट और लक्ष्य नायरा क्या हो रहा है? मैं ना यही अभी डिस्कस कर रही थी, मतलब मैं भी यही डिस्कस कर रही थी कि ब्रो ये क्या हो रहा है, मतलब मैं और श्वेत का पास नायरा, मेरा पास लक्ष्य और नायरा,
ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, ये ट्रायंगल भी नहीं चल रहा, कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्या बोलूं, क्वेश्चन तो नहीं है बट सुनने में आया है कि अनिका श्वेत के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रोडीज किया है और उसको वो माइंडसेट है और पता है उसको क्या करना है चैलेंजेस में। किसने बोला? सच है या अगर ये मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरी जॉब खतरे में हो जाएगी, बट सुनने में आया है। नहीं, अगर मुझे ऐसा सोचना होता तो मेरी हर्ष से भी बात हुई थी और जशवंत ने भी रोडीज किया है, जब बैंड देने की बात हुई थी तो मैं उनसे भी कनेक्ट करती, और ऐसे ही होता तो ऑफकोर्स इतने सारे लोग हैं, मैं किसी से भी कनेक्ट हो जाती। अभी भी रोडीज के बहुत सारे लोग आए हैं, दिग्विजय वगैरह, उनसे भी मैं कनेक्ट हो जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रोडीज के लिए शिवित के साथ हूँ या फिर मैं, मेरी हर्ष से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी और उस हुई थी मतलब अपनी है, मतलब अभी भी है इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, उसमें मेरी काफ़ी अच्छी उससे हर्ष से भी बात हुई थी एंड इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बट मेरे शिवित से ही काफ़ी अच्छा वाइब हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है रोडीज के लिए और मेरे को रोडीज वालों की ज़रूरत नहीं है ब्रो, आई एम गुड इनफ। क्या बात है, तो अब ये बता दो आपको लगता है कि आप आइडल मैच हो गए शिवित के साथ? पता नहीं। नहीं चलो नहीं हुए तो फिर क्या करोगे? नहीं मैंने शिवित को तो बोला है कि अगर हम आइडल मैच नहीं है तब भी मैं तेरे साथ ही रहूंगी और आई डोंट केयर अबाउट इट, आई जनरली डोंट केयर अबाउट इट। चलो तो ये थी अनिका, अनिका से झूठ मत बोलना नहीं तो क्या यही पड़ जाएगा, है ना? यही पड़ेगा यही। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।